We're not going to talk about PlayStation 5 today. We are going to talk about Nintendo Switch Lite. Nintendo के गेम कंसोल्स आर वेरी मच पॉपुलर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया बिकॉज Nintendo की एज अ कंपनी इंडिया में कोई ऑफिशियल प्रेजेंस नहीं है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द 90s किड या फिर इवन अर्ली 2000 के जो किड्स हैं वो Nintendo के गेम्स खेल के ही बड़े हुए हैं फॉर एग्जाम्पल सुपर मारियो ब्रदर्स टेट्रिस कॉन्ट्रा डक हंट एंड सो ऑन आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे Nintendo Switch Lite को हम बात करेंगे कि इंडिया में आप इसे कहां से परचेस कर सकते हैं और आपको ये कितनी प्राइस का मिल जाएगा एंड क्या आपको इंडिया में ये लेना चाहिए 2021 में या नहीं सो गाइज विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ मैं आपसे कि प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ एंड लाइव स्ट्रीम के अपडेट टाइमली मिल सके ऑल्सो हम लोगों के चैनल मेंबरशिप्स ऑन हो चुके हैं गाइज सो प्लीज़ कंसिडर ज्वाइनिंग द चैनल तीन लेवल है मेंबरशिप के गोल्ड प्लैटिनम एंड डायमंड आप अगर चेक करना चाहें कि आपको क्या पर्क्स मिलते हैं इन तीनों ही लेवल्स पर तो नीचे जो ज्वाइन का बटन दिख रहा है उसे प्रेस करके आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं तो गाइज सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं क्या क्या मिलता है आपको बॉक्स के अंदर एंड फर्स्ट सेटअप पे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको मिलता है कुछ इस तरीके का बॉक्स जिसपे ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रंट में Nintendo Switch Lite की ब्रांडिंग की हुई है एंड कलर दिखा रखा है कौन से कलर का है मैंने टर्कोइज कलर परचेज किया बिकॉज यार वो देखने में सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे वो ही लग रहा था यहाँ पर साइड में हम देख सकते हैं थोड़ी सी Nintendo की ब्रांडिंग हुई हुई है एंड इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है बॉक्स पे तो चलिए फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें मिलता है हमारा Nintendo Switch Lite जिसको मैं अभी फ़िलहाल साइड में रख देता हूं एंड उसके अलावा देख लेते हैं कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है तो सबसे पहले आपको यहां पर मिलती है सेफ्टी गाइड एंड यूज़र मैनुअल इसके बाद आपको यहां पर देखने को मिल जाता है इसका चार्जर तो यहां पर मैं चार्जर को ओपन करके दिखा देता हूं आपको यार एक चीज़ यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट है कि यहां पर आपको जो ये चार्जिंग पिन मिलती है ये इंडिया वाली चार्जिंग पिन नहीं है अगेन जैसा मैंने बोला है कि यार ये इम्पोर्टेड यूनिट्स आती हैं तो आपको इंडिया वाली पिन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे चार्जर पे भी Nintendo की कस्टम ब्रांडिंग हुई हुई है एंड ये एक USB-C टाइप चार्जिंग केबल है तो आप डायरेक्टली कोई भी USB-C केबल प्लग इन करके अपने Nintendo स्विच को चार्ज कर सकते हैं तो अब फाइनली अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे Nintendo Switch Lite को तो यार देखने में मैं बताऊं इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल टर्कोइज कलर एकदम अलग से शाइन करता है यार तो यहाँ पे बटन्स को क्लिक करके देख लेते हैं बटन्स काफ़ी अच्छे टैक्टाइल फीडबैक आपको देते हैं जॉयस्टिक्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे एंड जॉयस्टिक का क्लिक भी काफ़ी अच्छा है डी पैड का प्रेस भी काफ़ी अच्छा है आई लाइक डिट एंड यहाँ पे ट्रिगर बटन्स भी आपको काफ़ी अच्छा टेक्टाइल फीडबैक दे देते हैं तो यहाँ दूसरी तरफ आपको मिल जाता है USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड अ माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जहाँ पे आप अपना कार्ड इंसर्ट करके मेमोरी एक्सपेंड कर सकते हैं Nintendo Switch Lite की इसके अलावा आपको यहाँ पे दो डुअल स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि दोनों तरफ एम्बेडेड हैं बॉटम साइड पे ऊपर देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है एग्जॉस्ट उसके पास में आपको मिल जाता है अपना हेडफोन जैक वॉल्यूम अप डाउन बटन एंड एक पावर स्विच पीछे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बस आपको सिंपल सी Nintendo Switch की ब्रांडिंग दी हुई है यहाँ पे Nintendo Switch के अलावा मैंने गेम भी परचेस किया था द लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड तो इसको भी फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का गेम कार्ड आता है Nintendo Switch के लिए तो आप ओपन करके देख सकते हो कि यार ये केस तो काफ़ी बड़ा था बट एक छोटा सा गेम कार्ड आता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है यार एंड इट इज़
कस्टम बिल्ड गेम कार्ड स्पेशली फॉर निंटेंडो। एंड यहाँ ऊपर ये जो स्लॉट दिखाया था मैंने आपको गेम कार्ड का, यहाँ पे आप अपने कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ एंड लेट्स टर्न ऑन आवर निंटेंडो स्विच लाइट। सबसे पहले आपको मेन्यू पे ऑप्शंस आते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करने के, तो यहाँ पे फटाफट से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। रीजन में आई वुड रिकमेंड अगर आप इसे परचेस करते हैं तो जस्ट सेलेक्ट यूएस रीजन विच इज मेंशन्ड एज द अमेरिकाज, जस्ट बिकॉज कोई भी गेम्स हमें अगर ऑनलाइन परचेस करने हैं फ्यूचर में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एंड बिफोर यू कैन प्ले एनी गेम्स आपको यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना पड़ता है जो कि आप अपने निंटेंडो ऑनलाइन अकाउंट से भी एसोसिएट कर सकते हैं, बट दैट स्टेप इज़ नॉट मैंडेटरी। तो फटाफट से यहाँ पे मैं यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ अपने लिए। यूज़र क्रिएट करते ही आपको यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल सेट करने का ऑप्शन दिखा देता है जिसको अभी के लिए हम फटाफट से स्किप कर देते हैं। एंड दैट्स इट, योर सेटअप इज़ नाउ कम्प्लीट। एंड दिस इज़ द होम पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा है, ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड। तो गाइज अब बात कर लेते हैं कहाँ से आप निंटेंडो स्विच लाइट परचेज कर सकते हैं। तो यार अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसे परचेज किया था एक बैंगलोर बेस्ड गेमिंग स्टोर से जिसका नाम है रे गेम्स कासल। द रीज़न वाई आई परचेज इट फ्रॉम देम इज़ बिकॉज, देखो यार जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि निंटेंडो की कोई ऑफिशियल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, तो इसकी वजह से जो ये सेलर्स हैं वो इन्हें दुबई वगैरह से मंगा लेते हैं। तो यार आपको कोई ऑफिशियल वारंटी नहीं मिलती है इन गेमिंग कंसोल्स पे। तो अगर आप परचेस करते हैं ना, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है आपको, तो आपको किसी थर्ड पार्टी शॉप पे या रिपेयर शॉप पे जाके उसको दिखाना पड़ेगा जहाँ पे आपके ऑब्वियसली पैसे लगेंगे एंड गारंटी नहीं है कि वो प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी या नहीं। बट रे गेम्स कैसल आपको अपनी इन स्टोर 1 ईयर की वारंटी देती है बिल के ऊपर। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन गो टू देम, या तो वो आपका कंसोल ठीक कर देंगे या फिर आपको वो नया कंसोल प्रोवाइड कर देंगे, पहली चीज। एंड दूसरी चीज, मैंने इसलिए परचेस किया था इनको वहां से बिकॉज आप 2 साल के अंदर अंदर कुछ भी दूसरा परचेस करते हैं उनके स्टोर से या फिर इस कंसोल को बेचते हैं उनको, तो वो आपको 70% आपको कैशबैक मिल जाएगा। अगर आप भी रे गेम्स कंसोल से परचेस करना चाहते हैं इस कंसोल को, तो यार आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी एंड उसके अलावा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हो एंड आई कैन फॉरवर्ड यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। बट उसके अलावा अगर आप इसे अमेजोन से भी परचेस करना चाहते हैं तो आप अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं किस प्राइस में मिलता है आपको। तो गाइज आप वैसे जो मैंने परचेज़ किया था रे गेम्स कैसल से, वहाँ पे मुझे पड़ा था 21,000 के आसपास। लेकिन अगर आप परचेज़ करते हैं अमेज़ॉन से या फिर आप 2-3 सेलर्स को जाके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 17,000 से 18,000 रुपये का ये मिल जाएगा निंटेंडो स्विच लाइट, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। कभी कभार डिमांड ज़्यादा होती है तो यार प्राइस ज़्यादा की भी पड़ जाती है, एंड कभी कभी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है तो आपको ये थोड़ा चीप भी मिल जाता है। बट अगेन प्रॉब्लम इज सेम कि क्योंकि निंटेंडो की कोई ऑफिशियल प्रेजेंस नहीं है तो आपको वारंटी नहीं मिलती है। तो आप ये देख लीजिए जहाँ से भी आप परचेस कर रहे हैं, अगर आप रे गेम्स कैसल से करते हैं तो मैंने आपको बताई दी आपको वारंटी मिल जाएगी, बट अगर आप अमेजोन से करते हैं या कहीं और से परचेस करते हैं तो आप बस जो भी सेलर है उनसे ये कन्फर्म कर लीजिए कि अगर वो किस तरह की कोई पॉलिसी ऑफर करते हैं तो इट विल बी बेटर। बात करते हैं निंटेंडो स्विच लाइट की परफॉर्मेंस कंपैरिजन की। तो यार अगर आप सोच रहे हो कि निंटेंडो स्विच लाइट की परफॉर्मेंस आपको यू नो PS4 या PS5 के लेवल की मिल जाएगी, तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अगर इस टर्म्स में उसको कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं PS3 से आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगी निंटेंडो स्विच लाइट में। बट स्टिल जो निंटेंडो पे गेम्स बने होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट पार्टी गेम्स बनते हैं निंटेंडो स्विच के ऊपर, यार वो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर के साथ ऑप्टिमाइज होते हैं, तो आपको बहुत ही स्टनिंग ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे गेम्स में, जैसे कि लुइजीज मैंशन 3 या फिर सुपर मारियो ओडिसी एंड इवन ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड। इस तरह के गेम्स में आपको बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे विच विल डेफिनेटली मेसमराइज यू। बट अगेन उसको अपने PC से या फिर PS5 या PS4 के ग्राफिक्स से कंपेयर नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी टाइटल्स भी आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे, आप गेम्स लाइक क्राइसिस, असैसिन्स क्रीड या फिर इवन NBA 2K21, FIFA 21, इस तरह के गेम्स आप खेल सकते हो अपने निंटेंडो स्विच पे। बट अगेन वो ग्राफिक्स PS4 या PS5 जैसे नहीं होंगे या PC जैसे नहीं होंगे, उससे थोड़े से कम होंगे, बट स्टिल इट विल बी रियली रियली गुड। तो डेफिनेटली एक निंटेंडो स्विच लाइट बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है अगर आप इस तरह के गेम्स खेलना चाहते हो हैंडहेल्ड मोड में। अब बात करते हैं क्या ये वर्थ इट है 2021 में इंडिया में परचेस करने के लिए। तो गाइज
अगर आप इस तरह के गेमर हो जिसको हैंडहेल्ड मोड में गेमिंग करना बहुत पसंद है, आप चाहते हो कि यार ऑन द गो कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या इवन घर पे भी कहीं पे भी बैठ के बस मैं अपना डिवाइस ऑन करूँ एंड गेम खेलना स्टार्ट कर दूँ, इस तरह की गेमिंग करना आपको पसंद है एंड यू अप्रिशिएट ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि यार आपका एक स्पेसिफिक चॉइस है कि मुझे बस शूटिंग गेम्स ही पसंद है या फिर सिर्फ मुझे फाइटिंग गेम्स ही पसंद है, अगर आप डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खेलना पसंद करते हो तो डेफिनेटली निंटेंडो स्विच लाइट बिकम्स अ रियली रियली गुड ऑप्शन टू बाय, प्रोवाइडेड आपको किसी ऐसे शॉप से मिल जाए जहाँ पर आपको प्राइस भी ठीक मिल जाए, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं थोड़ी इन शॉप वारंटी भी मिल जाए। एंड जैसे कि मैंने बताया यार, आप इवन गेम्स लाइक फीफा, NBA, Assassin's Creed, Crysis, इस तरह के गेम्स आप खेल पाओगे निंटेंडो स्विच पे आराम से। तो इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू बाय, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली यू कैन परचेज वन फॉर योरसेल्फ। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना गाइज, एंड अगर आप रेट्रो हैंडहेल्ड गेमिंग के ऊपर और कंटेंट देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना ये बात। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी दोनों ही प्लेटफॉर्म के टैग आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे एंड एडिशनली लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर मैं डिफरेंट टाइप का कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ टाइम टू टाइम, सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग मी देयर एज वेल। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड अंटिल वी मीट अगेन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज योर टिक्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय।